तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इमेज टैग। हाँ, तो आज थोड़ा सा और मैं इमेज टैग के बारे में बताऊंगा कि जो इमेज टैग है, लेट्स रिपीट दैट, इमेज टैग का आप इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। अगर आपको अपने वेब पेज में कोई एक इमेज या पिक्चर ऐड करना है, देन यू कैन यूज इमेज टैग। और इमेज टैग में जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो हैं आपके सोर्स एंड दूसरा है अल्ट। सो अल्ट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। सोर्स SRC जो है आपका सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू ही आपको इमेज डिस्प्ले करना होती है। सो सोर्स एट्रीब्यूट एक्चुअली कंटेन्स द पाथ। ओके, तो जब आप इमेज टैग लेते हैं तो आप सोर्स के सोर्स इक्वल टू और इमेज का पाथ दे देते हैं। देन इमेज टैग के अंदर जो पाथ है वहाँ जो पाथ पर रखी हुई इमेज है दैट कैन बी डिस्प्लेड। ओके, लेट मी शेयर द स्लाइड्स, आई फॉरगॉट टू शेयर देम। ओके, एंड देन अल्टरनेट टेक्स्ट जो है, सो अल्टरनेट टेक्स्ट हम किस लिए रखते हैं कि कई बार आपके समहाउ किसी वजह से इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हो पाती है, देन अल्टरनेट टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड टू द यूज़र। देन इमेज के साथ आप कुछ एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इमेज के साथ जो स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं वो हाइट और विड्थ होता है। ओके, सो हाइट और विड्थ से हम इमेज का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, हियर वी आई हैव यूज इमेज टैग एंड सोर्सेज सम लेट से इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट JPG। सो दिस इज़ द इमेज दैट इज स्टोर्ड इन करंट डायरेक्टरी। ओके, सो अगर इमेज अदर डायरेक्टरी में है तो आपको उसका पाथ देना होगा, एंड इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू प्रोवाइड द रिलेटिव पाथ। मैं बता चुका हूँ कि रिलेटिव पाथ क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। देन अल्टरनेट टेक्स्ट में हम मैसेज दे रहे हैं गर्ल्स इन ए जैकेट। ओके, एंड स्टाइल एट्रीब्यूट में आप हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टाइल इक्वल टू विड्थ इक्वल टू लेट्स से 500 पिक्सल एंड हाइट इज इक्वल टू 600 पिक्सल। आप चाहें तो बिना स्टाइल एट्रीब्यूट के भी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल दैट डेमोन्स्ट्रेट दैट। सो यहाँ पे वही इमेज सोर्स सेम इमेज है आपकी, अल्टरनेट टेक्स्ट इज द सेम, बट विड्थ और हाइट को हम सेपरेटली दिखा रहे हैं। विड्थ इक्वल टू 500 px, और आपको वैल्यू डबल कोट के अंदर देना है, ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे एक स्पेस है दैट इज़ नॉट विजिबल इन टू द स्लाइड, बट देर इज ए स्पेस हाइट इक्वल टू 600 px। ओके, सो इस तरीके से आपका हाइट जो ना 600 और 500 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें डिस्प्ले होगी या रेक्टेंगुलर साइज में डिस्प्ले होगी। देन लेट्स सी, समटाइम्स क्या होता है कि जनरली आप जब इमेज डिस्प्ले करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि इमेज का पाथ आप करेक्टली स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इमेज के पाथ को स्पेसिफाई करने का कुछ एक गाइडलाइन या एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आपकी लेट से इमेज करंट डायरेक्टरी में है तो आप लिखेंगे सोर्स इक्वल टू लेट से पिक्चर डॉट JPG योर इमेज फाइल नेम। सो सोर्स इक्वल टू पिक्चर एंड डॉट JPG। नाउ करंट फोल्डर का मतलब क्या है, जिस फोल्डर में आपका जो स्क्रिप्ट है या HTML फाइल है उसी फोल्डर में आपकी अगर पिक्चर है तो सिंपली आपको सोर्स में पिक्चर डॉट JPG या पिक्चर का टाइटल दे देना है। ओके, एंड आपकी पिक्चर जो है डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपकी पिक्चर किसी और डायरेक्टरी में है ना, वो जो डायरेक्टरी है अलग अलग प्लेसेस पर हो सकती है। सो लेट से आपकी जो पिक्चर है करंट डायरेक्टरी जिसमें आपकी वेव स्क्रिप्ट है उसी में लेट से इमेजेस नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर है, तो आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे एड्रेस इमेजेस जो करंट फोल्डर है। तो ध्यान रखना है कोई स्लैश कुछ नहीं लगाना है इमेजेस, क्योंकि ये आपका जो फोल्डर है इमेजेस नाम से फोल्डर, ये करंट डायरेक्टरी में है। और करंट डायरेक्टरी से मतलब है कि जिस डायरेक्टरी में आपकी स्क्रिप्ट फाइल है करेंटली, ओके, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लिखेंगे इमेजेस स्लैश फाइल नेम। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी अगर जो इमेज है करंट डायरेक्टरी के किसी फोल्डर में है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ मे बी दैट आपकी इमेज जो ना कहीं पर किसी रूट डायरेक्टरी में हो, लेट्स से आपका लिनक्स में जो है आपकी होम डायरेक्टरी है उसके अंदर इमेज नाम से फोल्डर है, रूट के अंदर फोल्डर है, होम नहीं सॉरी। सो रूट डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर है तो ये पाथ आप देख सकते हैं क्या शो कर रहा है, देयर इज अ रूट डायरेक्टरी स्लैश रिप्रेजेंट्स रूट डायरेक्टरी, और रूट डायरेक्टरी के अंदर आपका इमेजेस नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये पिक्चर है। तो अगर आपकी रूट डायरेक्टरी से रिलेटेड किसी पाथ में है तो आप इस तरीके से पाथ स्पेसिफाई करेंगे। ओके, अगर इमेजेस के अंदर भी कोई फोल्डर है, लेट से ABC नाम से फोल्डर है, तो आप लिखेंगे स्लैश इमेजेस स्लैश ABC स्लैश पिक्चर डॉट JPG। ओके, और पाथ को डबल कोट में लिखना है।
नाउ देयर मे बी वन पॉसिबिलिटी कि आपकी जो फाइल है वो करंट फोल्डर से एक लेवल ऊपर हो, एक लेवल ऊपर किसी फोल्डर में हो, ठीक है ना, फोल्डर में ना हो, एक लेवल जस्ट ऊपर हो. सो लेट्स से करंट फोल्डर आपका, लेट्स से ABC जो है, जिसमें आपके जो है ना स्क्रिप्ट स्टोर्ड है, और इससे ABC जो स्क्रिप्ट का फोल्डर है वो लेट्स से XYZ नाम के फोल्डर के अंदर है, तो आप क्या लिखेंगे एक्स, और जो इमेज आपकी XYZ नाम के फोल्डर के अंदर है, ओके, सो आप लिखेंगे डबल टाइम डॉट अपर डायरेक्टरी के लिए स्लैश पिक्चर डॉट JPG. तो इस तरीके से आप एक लेवल ऊपर चले जाएंगे. सो दीज आर सम गाइडलाइंस जिसकी मदद से आप पिक्चर का पाथ शो कर सकते हैं, एंड योर इमेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. बाकी अदर पैरामीटर्स आप सेट कर ही सकते हैं. बाकी जो पैरामीटर्स हैं हम उसके बारे में अलग बाद में बात करेंगे. कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं हाइट विड्थ के अलावा भी जो फॉर्मेटिंग में काम आते हैं. नाउ लेट्स कम टू द टेबल्स. सो टेबल जोन आपके वेब पेज में बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, और आप कई बार अपने वेब पेज में टेबलर फॉर्म में सर्टेन डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज आप अपना एक वेब पेज बना रहे हैं जिसमें आप अपना CV शो करना चाहते हैं, और CV शो करने में जनरली क्या होता है, जब अपनी आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं देन यू मे रिक्वायर ए टेबल. ठीक है, आप चाहेंगे कि टेबल में हम सारी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिस्ट कर दें. सो यू योर टेबल विल हैव सम नंबर ऑफ रोज एंड सम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आपको वेब पेज में अगर टेबल बनाना हो तो उसके लिए आपको HTML में टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी. ओके, यू नीड टेबल टैग. नाउ टेबल जो है, टेबल टैग के लिए साथ में कुछ और हम टैग्स यूज करेंगे टेबल के साथ में, जो आपको टेबल स्पेसिफाई करने में हेल्प करेंगे या रिक्वायर्ड हैं. पहला है टेबल TR. TR टैग जो है टेबल की रो स्पेसिफाई करने में इस्तेमाल होगा. आपको रो क्रिएट करनी है अगर, तो आप TR टैग की मदद से करेंगे. अगर आपको अपने टेबल का हेडर डिफाइन करना है देन यू विल यूज TH टेबल हेडर. एंड अगर आपको टेबल में कोई डेटा स्पेसिफाई करना है, दैट मीन्स आपको एक सेल ड्रॉ करनी है, तो आप TD टैग लिखेंगे बनाएंगे, और TD टैग के अंदर आपका डेटा रहेगा. जो भी टेबल में आपको डेटा रखना है किसी सेल में, सो दैट विल बी एंटर्ड इन टू द TD टैग. ओके, सो बेसिकली तीन है जिसमें से जनरली टेबल हेडर ऑप्शनल होता है, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपने टेबल का हेडर स्पेसिफाई करें. एंड बाई डिफॉल्ट जो टेबल हेडर के एलिमेंट्स हैं वो बोल्ड होंगे, सेंटर्ड होंगे, और सेल के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपका रेगुलर पॉइंट होगा और लेफ्ट अलाइंट होंगे. हालांकि आप टेबल्स के कई सारे फॉर्मेटिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, और डायरेक्टली आप टेबल के साथ भी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाई जस्ट सेटिंग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द टेबल, लाइक बॉर्डर एंड देन टेबल की हाइट, टेबल की विड्थ एंड सो ऑन. वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. सो लेट्स सी सम सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ द टेबल. लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल दैट आई एम हैविंग. सो देर इज ए टेबल दैट आई हैव स्टार्टेड. आई हैव जस्ट पुट ए हेडिंग देयर. लेट मी मेक इट H1 टू इंक्रीज द साइज H1. ओके, सो नाउ आई एम हैविंग ए टेबल. यू कैन सी दैट आई हैव रिटन ए टेबल टैग एंड प्रोवाइडेड द विड्थ. विड्थ इज इक्वल टू 50%. सो आप टेबल की रिलेटिव विड्थ आप वेब पेज में दिखाना चाहते हैं कि कितनी विड्थ होना चाहिए पेज की. देन आई हैव क्रिएटेड अ रो टेबल के लिए. सो हेडर एक रो होती है, सो मैंने टेबल रो और उसके अंदर टेबल हेडर टैग इस्तेमाल किया. जो TH कंपनी, टेबल हेडर चेयरमैन, टेबल हेडर कंट्री. सो आई वॉन्ट टू हैविंग, मैं जो है इस टेबल में तीन कॉलम चाहता हूँ, सो मैंने इसलिए तीन हेडर कॉलम डिफाइन कर दिए. सो पहला कॉलम का हेडर हो गया, ये दूसरे कॉलम का हेडर हो गया, ये तीसरे कॉलम का हेडर हो गया. ठीक है, एंड इसको आपको टेबल के रो में इंक्लोज करना है. ओके, सो एक रो क्रिएट हो गई क्योंकि आपकी जो टेबल की हेडिंग है दैट इज ऑल्सो ए रो. सो इसलिए आपने इसको हेडर को रो के अंदर लिखा है. देन मैंने एक और रो क्रिएट की, और रो के अंदर मुझे तीन, चूंकि मेरी टेबल में तीन कॉलम है तो मुझे तीन तीन कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियसली उस रो में तीन सेल होंगी. जो भी आप रो बनाएंगे दैट विल हैव ऑटोमेटिकली थ्री सेल्स. तो थ्री सेल्स हैं तो आपको तीन जो है ना डेटा वैल्यूज प्रोवाइड करना पड़ेंगे. सो तीन डेटा वैल्यूज के लिए जो डेटा वैल्यू आप कॉलम टेबल में स्पेसिफाई करते हैं, तो आप TD टैग इस्तेमाल करते हैं. सो आई हैव रिटर्न TD. सो कंपनी नेम लेट्स से गूगल, देन
एंड चेयरमैन लेट्स से आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम नेम सुंदर पिचाई दैट सीईओ गूगल राइट नाउ बट आई हैव जस्ट पुट सम रैंडम डेटा ओके सो रवि कुमार एंड देन कंट्री वेयर सो कंट्री इज नॉट टेक्सास इज नॉट द कंट्री सो लेट्स मेक इट हियर सिटी और समथिंग ओके सो देन दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड ए रो डेटा जिसमें डेटा है आपका देन सिमिलरली आप एक और रो डिफाइन कर सकते हैं सो आई हैव डिफाइंड अनदर रो देयर एंड देन आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अनदर रो थ्री रो तीन रो हो गई देन फोर्थ रो दिस इज माई फोर्थ रो इन द टेबल फिफ्थ रो इन द टेबल एंड देन सिक्स्थ रो इन द टेबल एंड देन आई हैव क्लोज द टेबल टेबल टैग सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस वेब पेज आई हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड दिस पेज सो दैट यू विल बी एबल टू सी सो दिस इज टेबल एच टी एम एल टेबल फर्स्ट सो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना पड़ती है आई हैव नॉट डन द फॉर्मेटिंग सो ये सेंटर्स नहीं सेंटर में है ये लेफ्ट साइड है तो आपको ये टेक्स्ट को भी लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अलाइनमेंट अलग है मेरा हेडर का अलाइनमेंट सेंटर में है और इसका हेड अलाइनमेंट लेफ्ट है तो दोनों का अलाइनमेंट आपको रोज का भी अलाइनमेंट आपको सेट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर सेट करना पड़ते हैं टेबल्स के आई एम नॉट सेट दैट बट वी कैन सेट देम ठीक है सो नाउ यू कैन सी दैट द टेबल इज हैविंग सिक्स रोज रो वन दिस इज योर रो वन जिसमें मैंने सेल वन दिस इज सेल टू दिस इज सेल थ्री रो दिस इज रो टू सेल वन रो टू सेल टू रो थ्री सॉरी रो टू सेल थ्री एंड सो ऑन सो दिस इज हाउ यू कैन स्पेसिफाई ए टेबल ओके ओके इस पर हम बाद में पाएंगे दिस टेबल नाउ लेट मी पुट एच वन टेबल विथ बॉर्डर एंड सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग ओके सो नाउ यू कैन सी दिस इज द टेबल दैट इज लुकिंग मोर बेटर सो लेट्स सी दिस डिजाइन ये कैसे क्रिएट किया है ओके सो नाउ सबसे पहले आप देखेंगे टेबल में आपके इस टेबल में बॉर्डर है देर दिस टेबल इज हैविंग अ बॉर्डर देर वॉज नो बॉर्डर इन दिस टेबल सो आपने बॉर्डर इक्वल टू वन कर दिया है ओके सो बॉर्डर प्रॉपर्टी से आप टेबल का बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हो सो आई हैव सेट बॉर्डर इज इक्वल टू वन देन सेल के अंदर पैडिंग सो दैट डेटा आपका पैड हो जाए दोनों साइड से सो सेल के विद इन सेल पैडिंग आप जो है ना सेल पैडिंग टैग से स्पेसिफाई कर सकते हैं सो आई हैव पुट सेल पैडिंग इक्वल टू फाइव एंड सेल पिक्सल में है सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग इक्वल टू फाइव तो विद इन सेल जो है ना पैडिंग जो है ना अपने फाइव की कर दी है और सेल के अंदर जो स्पेसिंग है दैट इज ऑल्सो फाइव सो नाउ द टेबल लुक्स मोर बेटर दिस इज द टेबल सो यू कैन सी दैट इट्स गिविंग ए थ्री थ्री डी काइंड ऑफ लुक सो एक्चुअली दीज आर आई हैव सेट इट सम पैरामीटर्स बट एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए टेबल हैव और आप टेबल को अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं ओके सो टेबल विथ हाइट एंड विड्थ सो दिस इज़ वन मोर टेबल जिसमें आपने टेबल की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की है अच्छा यहाँ टेबल की हाइट और विड्थ जो ना अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप या तो CSS के थ्रू कर सकते हैं आप एक कॉमन हाइट विड्थ CSS के थ्रू टेबल के लिए CSS डिफाइन कर दीजिए और वहाँ से रेगुलेट कर लीजिए अगर आपको अलग अलग टेबल को इंडिपेंडेंटली रेगुलेट करना है तो आप टेबल में ही स्पेसिफाई कर दीजिए हाइट और विड्थ सो इस टेबल में केस में आई हैव स्पेसिफाइड विड्थ इक्वल टू 400 पिक्सल एंड हाइट इक्वल टू 150 पिक्सल तो टेबल की हाइट और विड्थ की वजह से टेबल का जो साइज है वो लिमिट हो जाएगा नाउ यू कैन सी दिस टेबल वेयर हाइट एंड विड्थ हैव बीन स्पेसिफाइड सो दिस इज योर टेबल दैट विल लुक लाइक दैट सिमिलरली टेबल का अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है
सो आप केवल बैकग्राउंड जो पैरामीटर है बैकग्राउंड कलर, उससे आप उस टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। सो लेट मी चेंज द बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर तो नहीं, बीजी कलर। बीजी कलर फॉर बैकग्राउंड कलर होता है। सो लेट्स पुट देयर एंड लेट मी मेक इट सयान। नेम ऑफ द कलर यू नीड टू गिव। ओके सो ये आपका टेबल का बैकग्राउंड कलर आ गया। आप टेबल का बैक टेक्स्ट कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कलर पैरामीटर से। एंड टेबल का आप बॉर्डर कलर जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट से। लाइक फॉर दिस टेबल आई हैव स्पेसिफाइड द बॉर्डर कलर, सो लेट्स मेक इट बॉर्डर कलर कलर ऑफ दिस टेबल रेड। रेड ओके रेड। लेट मी चेंज दिस थिंग फॉर माई फर्स्ट टेबल ऑल्सो। नाउ बॉर्डर आ गए। नाउ दिस टेबल इज लुकिंग मोर बेटर, है ना। बॉर्डर नहीं था तो इसलिए दैट्स टेबल वाज नॉट लुकिंग गुड। इसी टेबल में भी हम बॉर्डर सेट कर देते हैं। एंड वेयर इज दिस टेबल। हाँ सॉरी टू टाइम आ गया। ओके एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट। नाउ यू हैव ऑब्जर्व द इन दिस टेबल, लेट्स सी यू कैन सी दिस टेबल हियर। द टेबल इज हैविंग थ्री सेल्स हियर इन रो, बट दिस सेल एक्चुअली दिस इज अ सेल दैट इज स्पैनिंग टू टू कॉलम्स। सो यू कैन सेट वेदर ए सेल ऑफ ए टेबल कैन स्पान मोर देन वन कॉलम, और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सेट वेदर ए सिंगल रो मे स्पान और सॉरी सिंगल मे रो सिंगल सेल मे स्पान टू मोर देन वन कॉलम। सो लेट मी सो बॉर्डर हियर ऑल्सो, सो यू विल एबल टू सी दिस दिस एग्जाम्पल एंड देन वी आई लेट्स वी विल सी दैट ये कैसे किया है मैंने और हाउ इट कैन बी डन। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट ये जो कॉलम है दिस दिस कॉलम और यू कैन से दैट दिस सेल इज इक्वलेंट टू दीज टू सेल्स, हाउ इट हैपन्ड। ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी दैट देर इज दिस सेल विच इज स्पेनिंग टू इक्वलेंट टू टू रोज, ये कैसे किया हमने। एंड समटाइम्स आपको ऐसे टेबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके सो इसके लिए आप रो स्पान और कॉल स्पान जो टैग्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो वट यू वॉन्टेड दैट ये जो टेलीफोन कॉलम है, सपोज आप ये चाहते थे कि ये टेलीफोन कॉलम है, ये दो किसी जो फर्दर रो जितने भी आप बन रहे हैं उनके या जो रो है आपकी उसके दो कॉलम्स के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो दो कॉलम्स के बराबर हो जाए। तो आपने लिख दिया टेबल हेडर में या जब भी आप ये डेफिनेशन कर रहे थे, ये कॉलम के लिए भी हो सकता है, टीडी में भी आप लिख सकते हैं। सो कॉल स्पान इक्वल टू टू और टेलीफोन। सो इज यू आर इंस्ट्रक्टिंग दैट दिस दिस सेल दैट मीन्स जो जिस सेल में टेलीफोन कंटेंट है दिस सेल शुड बी इक्वलेंट टू टू कॉलम्स। ठीक है। सो एंड जब आप नेक्स्ट रो डिफाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट रो में आप ऑर्डिनरी डिफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट रो, जिसमें तीन आपने सेल्स डिफाइन किए हैं, बट दिस कॉलम इज बिकम्स इक्वल टू थ्री कॉलम्स, क्योंकि इसकी वजह से आपने सेल स्पैन टू कर दिया। सो आप से यू आर इंस्ट्रक्टिंग दैट दिस टेलीफोन द सेल कंटेनिंग द टेलीफोन वैल्यू शुड बी इक्वलेंट टू टू कॉलम्स। ठीक है। और ऐसा करने से आपका जो है ना ये आउटपुट आ जाएगा।
योर टेलीफोन कॉलम इज स्पैनिंग टू टू कॉलम्स, एक कॉलम आपके दो कॉलम्स के बराबर हो गया है। सिमिलर थिंग आप ये तो आपका हॉरिजेंटल था, वर्टिकली भी आप कर सो वर्टिकल था हॉरिजेंटली भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेल है ये दो रो के इक्विवेलेंट है। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं यहाँ पर आपने एक्चुअली दो सेल्स को मिला करके एक सेल बना दिया है, रो वाइज जो सेल अरेंजमेंट था उनको मिला करके एक सेल बना दिया है। ये आप एक्सेल में करते होंगे, यू माइट हैव डन दिस इन एक्सेल। सो इसका इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है रो स्पान जो है ना एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा रो स्पान इक्वल टू टू टेलीफोन के लिए लिख दिया। बाकी आप जो रो डिफाइन कर रहे हैं नॉर्मली डिफाइन करिए। तो पहली रो आपने डिफाइन की उसमें दो वैल्यूज डिफाइन की, दूसरी जो रो है दूसरी रो में चूँकि जो है आप चाह रहे हैं कि जो टेलीफोन है दो सेल्स के बराबर हो जाए तो आपने दूसरी रो स्पेसिफाई कर दी, इसमें दो वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी। लेकिन तीसरी रो जो है उसमें आप केवल एक ही वैल्यू देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसे देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअली यहाँ पर जो एक सेल आती एक और उसको आपने इसके साथ कंबाइंड कर दिया है। सो आपको याद रखना है कि अगली रो में आपको ये वैल्यू नहीं देनी है, तो वो अपने आप इसके साथ मर्ज हो जाएगी। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन मर्ज सेल्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जब आपको वर्टिकल मर्जिंग करना है, वर्टिकल लेवल पर मर्जिंग करना है तो आप रो सॉरी कॉलम स्पान यूज करेंगे। रो लेवल पर मर्जिंग करनी है हॉरिजॉन्टली तो आप रो स्पान यूज करेंगे। ओके नाउ बॉर्डर के अलावा देयर इज वन मोर थिंग कि आपको अगर टेबल का कैप्शन प्रोवाइड करना हो तो आपको कैप्शन जो है यूज करना पड़ेगा। ओके लेट मी शो यू टेबल विद कैप्शन। सो यू कैन सी दिस एग्जांपल। सो सपोज देयर इज अ टेबल जिसमें बॉर्डर इक्वल टू 1 है, विड्थ 90% है एंड देन इट इज हैविंग सम रो एंड कॉलम्स। सो नाउ आई वांट टू स्पेसिफाई द कॉलम, तो आप टेबल में जस्ट टेबल का जो टैग आपने कंप्लीट किया है उसके बाद आप कैप्शन टैग ऐड करेंगे। यहाँ पे हालांकि इसमें हेडर नहीं है, टेबल हेडर से पहले आप जो है ना टेबल का कैप्शन दे देंगे। सो वॉट एवर यू विल राइट विद इन दिस कैप्शन टैग दैट विल बी डिस्प्लेड एज द कैप्शन ऑफ द टेबल। सो यू कैन सी दैट देयर इज योर टेबल विद कैप्शन। ओके टेबल विद कैप्शन, दिस इज योर टेबल विद कैप्शन, दिस वन टेबल विद कैप्शन, ठीक है। देर आर इस टेबल में कोई बॉर्डर नहीं ड्रॉ किया इसलिए दैट्स वाई दैट इज नॉट लुकिंग गुड। सो लेट्स मेक बॉर्डर इक्वल टू 1 देर ऑल्सो सो दैट इट विल लुक बेटर, ठीक है। नाउ दिस टेबल इज लुकिंग मोर मच बेटर। ये आप देखेंगे यहाँ भी हमने एक कैप्शन दिया है। सो आपको सिंपली कैप्शन जो है ना ऐड कर देना है। ओके एंड नाउ यू मे बी सीइंग देर इज़ वन इमेज दैट इज कमिंग इन बैकग्राउंड इन दिस टेबल। सो हाउ टू पुट बैकग्राउंड इमेज। सो बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको जो बैकग्राउंड पैरामीटर है वो सेट करना है आपको टेबल में। सो टेबल में बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर कलर आपने ग्रीन लिख दिया। बैकग्राउंड कलर आप स्पेसिफाई कर सकते थे लेकिन अब बैकग्राउंड की जगह पे आप इमेज शो करना चाहते हैं। यू डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई एनी बैकग्राउंड कलर बट यू वांट टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ टेबल। तो ओके सो आपको सिर्फ क्या करना है, बैकग्राउंड में डबल कोट के अंदर जो भी है वो इमेज जो आपको बैकग्राउंड में दिखानी है टेबल के आप उसका सॉरी पाथ आप उसका प्रोवाइड कर दीजिए। ओके सो दैट इमेज पाथ, मेरे पास एक इमेज 1.png नाम से इमेज थी, बहुत अच्छी इमेज नहीं है बैकग्राउंड के तौर पर दिखाने के लिए, बट इफ़ यू हैव अ गुड इमेज दैट कैन बी सोन एज अ टेबल बैकग्राउंड यू मे रिक्वायर्ड टू पुट दैट इन द बिहाइंड ऑफ टेबल बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट सेट करके कर सकते हैं, आपको सिंपली उसका पाथ देना है। सो नाउ यू कैन सी दैट द टेबल इज हैविंग एन इमेज इन बैकग्राउंड। ओके सो दिस इज हाउ यू विल सेट बैकग्राउंड द टेबल एंड सिमिलरली अगर आपको टेबल में हेडर और फुटर डिफाइन करना हो तो आपको हेडर फुटर के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेट्स सी दिस इज द टेबल दैट इज हैविंग सम हेडर फुटर। ठीक है
सो आपने टेबल हेड, टेबल का हेड जो है ना, हेडर आप टेबल के हेड थ्रेड में डिफाइन कर सकते हैं। सो टेबल हेड पैरामीटर के अंदर आपने एक रो क्रिएट की और रो में आपने लिखा कॉरेस्पॉन्ड इक्वल टू 4, सो आपका ये चारों कॉलम्स के बराबर आ रहा है। एंड दिस इज़ द हेड ऑफ द टेबल, सो आपका टेबल का हेड कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा इससे। लेट मी शो यू, दिस इज़ योर हेड ऑफ द टेबल, क्योंकि आपके टेबल में चार कॉलम थे तो आपको कॉलस्पान 4 लिखना पड़ा। तो आपका टेबल का हेड आ गया, हेड आ गया। सिमिलरली टेबल का फुट आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि बॉटम में डिस्प्ले होगा। सो टेबल में चूंकि चार कॉलम है सो आप लिखेंगे टेबल फुट, टैग के अंदर लिखा आपने और एक रो क्रिएट की, क्योंकि टेबल में जो कुछ भी डिस्प्ले होना है वो रो के अंदर होगा, और रो के अंदर फिर आपके योर टेबल विल हैव मल्टीपल रोज एंड ईच रो विल हैव सम डेटा। सो टेबल के रो फुट में भी रो आपको बनाना है। सो एक आपने रो क्रिएट की एंड देन टेबल का डेटा स्पेसिफाई किया आपने। सो चूंकि आप एक फुटर बना रहे हैं तो फुटर शुड एक्सपांड टू द ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, और आपके टेबल में चार कॉलम है सो आपने लिख लिया कॉल स्पैन इक्वल टू 4 एंड नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इन द फुटर यू विल बी एबल टू डिस्प्ले हेयर, दिस इज योर फुटर। ठीक है, एंड देन आप टेबल की बॉडी स्पेसिफाई कर दीजिए। ओके, सो ये टैग ऑप्शनल्स होते हैं, बट हेडर हेड और बॉडी, जब आपको हेडर बॉर्डर सब बनाना है देन यू कैन यूज़ हेड एंड बॉडी टैग ऑल्सो। और जब बॉडी टैग में आप टेबल्स की जो भी रोज हैं आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें एक ही रो थी, यू कैन स्पेसिफाई मोर देन वन रो एज वेल। ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द टेबल्स। ठीक है, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। आप मैं आई विल शेयर दिस फाइल सो दैट यू कैन प्ले विद द टेबल टैग्स। सो आपको इनके साथ थोड़ा सा अपने आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी सो दैट यू विल बी एबल टू वर्क एंड यू विल एबल टू रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स किस पर्पज के लिए होते हैं, तो यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट दैट। बाकी फर्दर और फॉर्मेटिंग अगर करना है देन वी विल सी दैट लेटर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिस्ट इन HTML। सो मैनी टाइम वैन यू आर क्रिएटिंग ए वेब पेज यू मे रिक्वायर टू पुट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन योर वेब पेज, है ना। आपको कुछ आइटम्स की लिस्ट आपको शो करना है, सो दैट लिस्ट मे बी बुलेटेड लिस्ट काइंड ऑफ थिंग, और न्यूमेरिक लिस्ट भी हो सकती है। सो अगर आपको लिस्ट HTML टेबल में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपके पास दो टैग्स हैं, वी विल सी। सो एक्चुअली यू कैन डिस्प्ले टू काइंड ऑफ लिस्ट ऑन योर वेब पेज, वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर लिस्ट मीन्स यू विल नॉट हैव एनी सेंस ऑफ ऑर्डरिंग इन द लिस्ट। ठीक है, मतलब आपके आइटम्स की जो लिस्ट है उसमें ऑर्डरिंग का कोई सेंस नहीं है। यू डू नॉट रिक्वायर टू पुट ऑल द आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। सो उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपके पास UL टैग है। ओके, सो जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट आप बनाएंगे उसे UL टैग से स्टार्ट करेंगे, और लिस्ट के जो आइटम्स हैं आप वो LI टैग से स्पेसिफाई करेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके जो आइटम्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स के साथ डिस्प्ले होंगे। वी विल टेक एन एग्जांपल शॉर्टली। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ लिस्ट जहाँ पे आपको आइटम्स की एक्चुअली ऑर्डरिंग के हिसाब से शो करना है। ओके, देयर इज अ सेंस ऑफ सम नोशन ऑफ ऑर्डरिंग इज देयर विद इन द आइटम्स। तो उसके लिए आपके पास फिर आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना पड़ेगी, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यू हैव टैग OL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL टैग है, और OL टैग के अंदर आपको LI टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे लिस्ट आपके आइटम्स आप डिस्प्ले कर पाएँ। सो एवरी आइटम को आपको LI टैग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस, लिस्ट दिस वन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। सो सपोज यू हैव एन ए लिस्ट जो कि अनऑर्डर्ड है, और आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट शो करना है। सो आपने HTML पेज बनाया, उसके अंदर बॉडी टैग के अंदर आप नई लिस्ट स्पेसिफाई कर रहे। सो मैंने यहाँ पर हेडर एक डिफाइन किया है H2 लेवल का, दैट इज सो इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो मेरी लिस्ट का ये टाइटल है, तो आप कह सकते हैं या कहिए लिस्ट ऑफ बेवरेजेस कर देते हैं, ए लिस्ट ऑफ बेवरेजेस, सॉरी बेवरेजेस,
आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, प्लीज टॉलरेट दैट. ओके, सो लिस्ट ऑफ बेवरेजेस जिसमें कॉफ़ी है, टी है एंड मिल्क है. सो ये आपकी लिस्ट है, लेट्स सी हाउ इट विल बी डिस्प्लेड बाय द वेब पेज. ओके, लेट मी क्लोज इट. ओके, सो यू कैन सी दैट लिस्ट ऑफ बेवरेजेस, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क. सो दिस इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, दिस इज हाउ योर अनऑर्डर्ड लिस्ट विल बी डिस्प्लेड. लेकिन अगर आपको अच्छा देखिए ज़रा ध्यान से कि अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो आपको यू एल टैग इस्तेमाल किया है आपने. यू एल टैग के अंदर आपने जो भी आइटम्स आपको लिस्ट करना थे, यू कैन लिस्ट ऑल दोज आइटम्स. ओके, सो सपोज आपको एक आइटम और बढ़ाना है, सो सॉरी एल आई कोल्ड ड्रिंक. सो एक आइटम और ऐड हो जाएगा आपकी लिस्ट में, है ना, ये आ गया. सिमिलरली जैसे आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, समटाइम्स यू मे रिक्वायर दैट यू मस्ट हैव ए ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स. सो लेट मी इंक्रीज वन मोर. सो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपली ओ एल टैग इस्तेमाल करना है. ओके, सो ओ एल टैग में आपको जो भी आइटम्स हैं उनको एल आई से लिस्ट कर देना है. बहुत सिंपल है ना. सो लेट्स सी, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले हो रही है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डिस्प्ले द ऑर्डर लिस्ट. नाउ एक और लिस्ट है आपके पास जिसमें समटाइम्स क्या होता है कि यू मे लाइक कि आपने कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले किए हैं एंड देन इन आइटम्स का आप डिस्क्रिप्शन भी साथ में शो करना चाहते हैं. यू हैव सर्टेन लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड हर आइटम का आपको एक डिस्क्रिप्शन भी ऑफर करना है. तो इसके लिए एक और वेरिएशन है जैसे करते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे. सो यू कैन सी देयर इज वन एग्जांपल. सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपके पास डी एल टैग है और डी एल टैग में आपको डिस्क्रिप्शन टर्म, डी टी मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म. सो डिस्क्रिप्शन टर्म का मतलब है ये आइटम्स आपके लिस्ट के तौर पर डिस्प्ले होंगे, डी टी डी टी. सो आपकी जो लिस्ट है उसमें दो आइटम्स हैं. ओके, और फिर डी डी से आप जो टर्म है उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो कॉफ़ी के लिए लेट्स से कह दिया ब्लैक एंड हॉट ड्रिंक, मिल्क का डिस्क्रिप्शन लिख दिया वाइट एंड कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक. ओके, सो वट एवर आइटम्स यू एड आप उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डी डी टैग से स्पेसिफाई कर सकते हो. लिस्ट के आइटम आपके एल आई की जगह पर डी टी टैग से आएंगे. तो इस तरीके से जो लिस्ट बनेगी दैट विल कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सो यू कैन सी दिस इज हाउ द लिस्ट विल लुक लाइक. ठीक है, पहला आइटम, देन सेकेंड आइटम और उसका एक डिस्क्रिप्शन है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सी और यू कैन डिस्प्ले ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट. अच्छा, इसको आपको इन लिस्ट को, ये तो लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन था वर्टिकल था, अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसके फ्लोट प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर दीजिए. ठीक है, सी एस एस के और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसको सेट कर सकते हैं, बट वी विल एक्सप्लोर देम लेटर क्योंकि अभी हम सी एस एस नहीं पढ़ रहे हैं. सो वी विल एक्सप्लोर दोज थिंग्स व्हेन वी विल डिस्कस सी एस एस. अच्छा, देर आर सम ऑप्शंस विद द लिस्ट. अगर आप लिस्ट में जैसे बाय डिफॉल्ट जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करते हैं तो आपको बुलेटेड लिस्ट दिखाई देती है ना. बट आप चाहें तो लिस्ट में ऑर्डरिंग के लिए कुछ और पैरामीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सो उसके लिए लिस्ट स्टाइल टाइप जो प्रॉपर्टी है उसको आपको सेट करना पड़ेगा. आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट जब आप डिफाइन करें, तो लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल टू आप डिस्क लिख देंगे तो क्या होगा, जो बुलेट्स दिखाई देंगे जो कि आपकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है. अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ना, लेट मी कॉपी दिस एंड चेक इट. लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल टू
क्या सर्किल, लेट्स मेक इट सर्किल, CIRCLE, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है ना। सर्कल की जगह पर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा कॉलन दे करके लेना, स्टाइल इक्वल टू, सॉरी एग्जांपल में गलत लिख रहा हूँ, स्टाइल इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप और कॉलन में स्क्वायर SQL, सॉरी स्क्वायर अब आएगा। ठीक है स्क्वायर आ गया है। और क्या था ऑप्शन, सर्किल, सो लेट्स मेक इट सर्किल। लेट्स रेफरेंस तो सर्किल आ गया। ठीक है सो आप इनकी स्टाइल्स आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देन सिमिलरली ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी आपकी स्टाइल है। और सो इसके लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट सेट करना है ऑर्डर लिस्ट में। सो टाइप इक्वल टू वन आप करेंगे, देन आपको नंबर्ड लिस्ट सो विल बी शोन। अगर आप टाइप इक्वल टू कैपिटल ए करेंगे तो आपको अपर केस लेटर्स में लिस्ट के आइटम्स दिखाई देंगे उनकी ऑर्डरिंग। 1 मिनट एंड अगर आपको रोमन में चाहिए तो आपको अपर केस आई इस्तेमाल करना है, स्मॉल रोमन में चाहिए देन स्मॉल आई इस्तेमाल करना है। सो लेट्स सी हम कैपिटल ए बी सी डी से कर देते हैं। ठीक है टाइप इक्वल टू कैपिटल ए लिस्ट यहाँ पे टी वाई टी टाइप इक्वल टू लेट्स मेक इट कैपिटल ए। सो ए बी सी डी का ऑर्डर आपको शो होगा। ठीक है अगर कोई और नंबरिंग चाहिए आपको तो आप वो चूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल डिस्प्ले ऑर्डर। अच्छा एक इसके फ्लोट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। फ्लोट नहीं दिखा रहा है। आई विल सी दैट कि इसको वर्टिकली कैसे शो करेंगे। नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टली कैसे शो करेंगे, वर्टिकल तो दिख ही रहा है। ओके सो दिस इज हाउ यू विल लिस्ट द आइटम्स। नाउ अच्छा एक एलिमेंट और है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ब्लॉक एलिमेंट। एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नाउ एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल में आपके जितने भी टैग्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है इनलाइन एलिमेंट। सो ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है कि जब आप उस एचटीएमएल एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे तो वो अपनी पूरी लेंथ जो फुल ब्रेथ है वो ले लेता है। ठीक है जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक वेब पेज अभी मैंने आपको शो किया था।
उसमें आप देख सकते हैं आई हैव डिस्प्लेड समथिंग देयर, कोई मैंने एक टैग पुट किया है और आप देख रहे हैं इट इज़ टेकिंग कंप्लीट विड्थ, पूरी की पूरी विड्थ इसने ले ली है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो कि कंप्लीट विड्थ आपके पेज की ऑक्यूपाई कर लेते हैं हम उसे ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ओके। एंड अदर एलिमेंट्स जो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते हैं हम उसे इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो जो कॉमन बहुत कॉमनली यूज और बहुत पॉपुलरली यूज जो ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका है डिव एलिमेंट, डिव। सो ये जो है एक्चुअली मैंने डिव ही डिस्प्ले किया हुआ था, सो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ इट इज डिस्प्लेड। डिव टैग में आपने लिखा, मैंने लिखा उसके स्टाइल सेट कर दिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है एंड टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट रखा है, पैडिंग समथिंग इज दिस एंड, ठीक है। सो इसमें डिव के अंदर डिव क्या है, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो है ही है, लेकिन ये कई अदर एलिमेंट्स को भी अपने अंदर कंटेन करता है, सो डिव इज ऑल्सो ए कंटेनर, सो कई बार वेब पेज में जो कंटेंट्स हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज आपको करना हो, वेब पेज को कई सेक्शंस में डिवाइड करके आपको कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए आप डिव टैग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि डिव टैग अपने आप में कुछ नहीं करता है, बट इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। तो जैसे मैंने डिव के अंदर एक हेडिंग ली है, हेडिंग के लिए अंदर पैराग्राफ मैंने रख दिया है, ओके। तो आप चाहें तो डिव के अंदर इमेजेस भी डिस्प्ले करा सकते हैं। कई बार वेबसाइट्स हम जब डिज़ाइन करते हैं, एक अच्छी वेबसाइट बनाना है तो उसमें डिव को कई बार हम हैवीली यूज करते हैं, और डिव के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना करके उनके लिए अलग अलग स्टाइलिंग भी डिफाइन कर सकते हैं सीएसएस की मदद से, ओके। सो डिव इज़ ए काइंड ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक टैग, फॉर्म भी है आपका एक टैग जो ब्लॉक लेवल का काम ब्लॉक का काम करता है या अदर कंटेनर्स की तरह काम करता है, ओके। सो दिस इज द सम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लाइक एड्रेस, आर्टिकल, ब्लॉक कोड, आप इससे फैमिली रहें ब्लॉक कोड से, डी डी, डी आई वी, डी एल, डी टी एंड सो ऑन। सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ टैग्स आर देयर दैट आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और जब आप इनको यूज करेंगे तो वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। सिमिलरली देर आर सम अदर एलिमेंट्स आर देयर जो जो कि पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। सो इनलाइन एलिमेंट में आपका आ गया ए, एब्रीविएशन, एक्रोनिम, बोल्ड एंड वीडियो एंड सो ऑन। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर इनलाइन एलिमेंट्स, और ये जब आप इस्तेमाल करेंगे इनको तो ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते हैं वेब पेज में। ओके, सो आप में से किसी ने पिछली क्लास में पूछा था कि हमें अगर एक डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट की स्टाइलिंग करना है तो उसके लिए कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए आपके पास स्पैन टैग होता है, ठीक है। तो जिस जिस भी पार्ट की आपको टेक्स्ट में लट से एक लाइन है या एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ लाइंस है, तीन चार लाइंस हैं या एक सिंगल सेंटेंस है, उसकी आपको एक प्रॉपर स्टाइलिंग करनी है तो आप उसे स्पैन टैग के अंदर रख करके स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे स्टाइलिंग होगी वो दैट इज सेकेंडरी थिंग, कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे। जैसे फॉग मैं आपको कलर जनरली हम अगर आप चाहेंगे तो एक टेक्स्ट है तो उसे इटैलिक फॉन्ट और ये सब करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका फॉरग्राउंड कलर, उसका जो टेक्स्ट का कलर सेट करना है तो आप स्पैन के अंदर उसे लिख करके कलर सेट कर सकते हैं, ओके। सो आज यहीं क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके जो कि आपके वेब पेज के लिए बहुत एसेंशियल हैं एक डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए एंड इवेंट हैंडलिंग करने के लिए भी ज़रूरी है, सो दैट इज़ द फॉर्म टैग एंड फॉर्म एलिमेंट। सो यूजर से कई बार इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट टैग्स हैं, बटन्स, ऑल दैट, रेडियो बटन्स, ये। सो नेक्स्ट क्लास इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में जानेंगे, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन Then you can ask, otherwise I am going to close.